दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आस्था इंस्टीट्यूट इसपुर ऊना। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को हरोली कांग्रेस द्वारा विधानसभा क्षेत्र के हीरा थड़ा में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री को जन्म दिवस की बधाई देने वालों की भी रैली में खूब लाइन लगी रही। चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली का आयोजन करते हुए भाजपा को ललकारा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब खुद ये बात मान चुके हैं कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 40 प्रत्याशियों की सूची तैयार हो चुकी है जिसे कभी भी सार्वजनिक रूप से जारी किया। मुकेश जी, कांग्रेस की टिकटों का कब तक जो है ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस के लगभग 40 के आसपास टिकट फाइनल हो गए हैं, वो किसी भी समय अनाउंस हो जाएंगे। बाकी टिकटें जो है उस पे मंथन जारी है, बातचीत हो रही है और अभी तक तो इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ है। किसी और पार्टी ने भी टिकट जारी नहीं किए हैं, तो ये सारा प्रेशर कांग्रेस पे क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस के पे लगातार लोग कह रहे हैं कि टिकट क्यों नहीं हो रहे हैं? चुनाव घोषणा होने दो, एक से एक बेहतरीन चेहरा चुनाव में उतारा जाएगा, चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले लोग चुनाव में उतारे जाएंगे। और आपको पता है, इस दफा बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने कांग्रेस टिकट के लिए अप्लाई किया है। उसकी वजह यही है कि लोगों को पता लग गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इसलिए विकास की सरकार, कल्याण की सरकार, गरीब की सेवा करने वाली सरकार, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाली सरकार, महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली सरकार और कर्मचारियों को OPS देने वाली सरकार और किसानों का भला करने वाली सरकार आ रही है। ऐसा है कि जयराम को ये तो समझ आ गया कि सरकार आ सकती है क्योंकि वो पिछले 125 दिन प्रदेश में घूमे हैं मुख्यमंत्री, अमृत महोत्सव के बहाने या दूसरे कार्यक्रमों के बहाने सरकारी खर्च पे जो उन्होंने सारे प्रोग्राम किए, उसके बाद उनका निष्कर्ष सामने आ गया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये उन्होंने अपनी जवानी कह दिया कांग्रेस पार्टी उन, और वो सेकेंडली उन्होंने कहा कि अगर सरकार बन जाएगी तो हम तोड़ देंगे। तो मैं जयराम को ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया कि सरकार बन जाएगी, आप ये भी समझ लें कि सरकार टूटेगी नहीं, सरकार 5 साल स्थायी तौर पे चलेगी, पूरे ठोक बजा के चलेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। और इसीलिए मैं जयराम जी को बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। नहीं तो ये जो है ना, सरकार बनेगी और समझ लें जाको रखे साइया मार सके ना कोई। और जयराम जी को बाहर जाने का समय आ गया है, उनको अपने मन को ये विश्वास कर लेना चाहिए कि उनके जाने का समय है, अपना सेंड ऑफ जो है अपने तरीके से प्लान कर ले, उन्हें जाना है और वो घड़ी आ गई है, वो बेल आ गई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर परमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, इन भगत सिंह के सपनों की सरकार बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देंगे। उम्मीद का सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग के तुम देखा दे तू, उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू, कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है, जो सोचा है वो करना है, न झुकना है न डरना है, मिला के हाथ चलना है, उठा के हाथ लड़ना है, जो सोचा है हमारे वाले लोग हैं।
एमएच होंडा अम्बरोड ऊना त्योहारी सीजन पर स्कूटर व बाइक्स पर लाया है आकर्षक उपहार और विशेष ऑफर्स, जिसमें 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज। अपना कोई भी पुराना स्कूटर या मोटरसाइकिल एक्सचेंज करवाएं और बाजार से 2000 अधिक मूल्य पाएं। अभी बुक करवाएं और आकर्षक उपहार पाएं। CSG सुविधा पर 17,000 तक डिस्काउंट पाएं। BSF, CISF, CRPF, SSB, HP पुलिस कर्मचारियों के लिए 3,500 रुपये तक कैश डिस्काउंट और भी आकर्षक ऑफर्स। संपर्क करें MH होंडा अमरोड ऊना 9816087753 8350801280। रायजादा TVS अमरोड ऊना नवरात्र और दिवाली पर स्कूटर व बाइक्स पर लाया है आकर्षक उपहार और विशेष ऑफर्स, जिसमें 1 रुपए डाउन पेमेंट पर RC और इंश्योरेंस के खर्च सहित हर खरीद पर पाएं आकर्षक उपहार। हेलमेट, बॉडी कवर और गिफ्ट हैम्पर फ्री। बुकिंग करवाने पर चांदी का सिक्का एक्सचेंज ऑफर 2500 रुपए और भी बहुत आकर्षक ऑफर्स। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें रायजादा TVS अमरोड ऊना 9816080350 या फिर 7831838229। आस्था इंस्टीट्यूट ईस्टपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन RS राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इलेक्ट्रिशियन, फिटर, AC एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लंबिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं-12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट गगरेट रोड ईस्टपुर ऊना 9459778011।